दोस्तों YouTube का एक बहुत ही मजेदार फीचर होता है कम्युनिटी टैब। ये फीचर तब हमें मिलता है जब हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले ये क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर का था, लेकिन अब ये 500 सब्सक्राइबर पर मिलने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कम्युनिटी टैब को कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव अपने चैनल की कम्युनिटी टैब एकदम ओपन करके दिखाऊंगा, और उसमें कैसे पोस्ट डालना है आपको, कैसे पोल डालना है और कैसे इमेजेस डालने हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप के हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कैसे आप अपने कम्युनिटी टैब को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और ये है हमारा चैनल। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसे, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो। और इसमें आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा एक प्लस वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे में क्रिएट अ पोस्ट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखने को आएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ अपने दोस्तों को बताना कि आप, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ नेक्स्ट वीडियो टुमारो, ठीक, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। और इतना लिखने के बाद मैं अगर चाहूँ तो कोई इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे पब्लिक रहने देना है आपको इसको, और इसको पब्लिक रहने देने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो है पोस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी से पोल पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट होता है किसी को नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने टुमारो डाला, तो आप यहाँ पे इस ऐड पोल ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक होने वाली है वो इंस्टाग्राम के ऊपर होने वाली है, ठीक। और हमारा जो अगला यहाँ पे पोल है, इसमें हम अदर ऑप्शन डालते हैं, हमारा जो है व्हाट्सएप के ऊपर होने वाला है। और इसमें हम अगला डालते हैं, जैसे हमारा फेसबुक के ऊपर होने वाला है। तो ऐसे करके आप 4 से 5 यहाँ पे ऑप्शंस डाल सकते हैं, और ऑप्शन डालकर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों वहाँ पे पोल शो होने लगेगा और जो भी इस पर क्लिक करेगा आपकी वोटिंग यहाँ से पता चल जाएगी कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। यहाँ से दोस्तों ये तो बात होगी कि हमें कैसे पोल डालना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको इमेज कैसे ऐड करना है। आपको सिंपल से फिर से क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। अगर आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं फोटो, यहाँ पे अपनी फोटो या फिर अपना जो है यूट्यूब चैनल का कुछ भी अगर पोस्ट करना चाहते हैं फोटो बिहाइंड द सीन, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सिंपल से नेक्स्ट करके और पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा देर टाइम लगेगा क्रॉप होने में फोटो, और क्रॉप होकर आपके सामने जस्ट ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ से सिंपल से पोस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर से मैं बताता हूँ कि अब इमेज के साथ पोल को कैसे अपलोड करना है। वो कुछ जानने के बाद फिर से आप आना है आपको प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ पे आपको क्रिएट अ पोस्ट वाला ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे ही पोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दो दिया हुआ है, एक इमेज और एक टेक्स्ट का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट किया, और ऑप्शन वन में मैंने दोस्तों यहाँ पे इमेज ऐड करना है, तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन फोटो चुन लेना है अपनी गैलरी से जो आप डालना चाहते हैं। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दूसरा मिलेगा, आप इसमें भी यहाँ पे क्लिक करके ऐसे और फिर से ऐड कर सकते हैं फोटो। अगर आपको 4 ऑप्शन देने हैं तो आप ऐड ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो फिर से आपको 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको और भी इसमें इमेजेस ऐड कर लेने हैं, जितने आप चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। ऐड करके यहाँ पे आपको कोने में पोस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के इंटरफेस सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कल ये वीडियो यहाँ पे अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर की थी, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पोल किया था आई एम बैक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है वोट आया था कि वेरी एक्साइटेड और एक्साइटेड, मैंने दो ही यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना होता है, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन सेम ही दिए थे, इसलिए दोनों ऑप्शन में लगभग सेम वोट हमारे आए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैंने ऑडियंस से पूछा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने कैसे 4 पोल डाले हैं और इसमें कितने परसेंट ऑडियंस को किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। जैसे कि मैंने इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे दोस्तों अपना फोटो पोस्ट किया था और सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो आप इस तरीके से फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये भी देख लीजिए अपना फोटो पोस्ट किया है, अपना वीडियो प्रमोट किया है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको ऑडियंस के साथ, अपने चैनल के ऑडियंस के साथ कॉन्टेक्ट करने में मदद होता है, कोलेबरेट करने में आसानी होती है, और आप अपने ऑडियंस के जान पाते हैं कि कैसी वो वीडियो चाहती है, क्या चाहती है आपकी ऑडियंस आपके चैनल से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इतनी मजेदार वीडियोज हमेशा अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।